एक स्ट्रगल है, एक डेकेड की स्ट्रगल है, जिस तरीके से खवातीन को हरासा किया जाता है काम की जगह पर, ये आपकी मेरी हम सब जो एक वर्किंग वुमेन है उससे हम रिलेट कर सकते हैं उस किताब से। जो चीजें उसमें कही गई हैं उनकी अपनी एक कहानी है, जिस तरह से उनकी एक स्ट्रगल रही है सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, इससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। चाहे वो एक औरत फैक्ट्री में काम करने वाली हो, चाहे पार्लियामेंट में बैठी हो, चाहे किसी एक क्लिनिक में काम कर रही हो। आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट उठाया जब हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बिल आया। तो आई थिंक ये एक बहुत ग्रेट एफर्ट है एंड फौजे सईद इज अ वेरी करेजियस वुमन, क्योंकि अपनी कहानी अपनी जबानी कहना कोई आसान बात नहीं। कि हमारी बेटियां और जो बच्चियां इस तरह काम कर रही हैं, और अब बिल्कुल उनको करना चाहिए और बहुत ही ईमानदारी से कर रही हैं, वो कम अज कम उनको सपोर्ट हो अपने ही घर के कजिन से, भाइयों से और वालिद से, ताकि वो अपने आप को मजबूत महसूस करें, उनमें वो डर ना हो, और अगला जो परपेट्रेटर है जो उनके साथ अगर कोई ऐसी हरकत हो रही हो तो वो कांप जाए कि इसके पीछे तो एक पूरी फौज है। मैं ये समझती हूँ जो किताब फौजिया ने लिखी है इज वेरी गुड इन द सेंस के, देखिए बात यह है कि उसने अपने जाती एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखा है, और इसमें बहुत दिलेर होना पड़ता है आपको एक औरत की हैसियत से पाकिस्तान जैसी जगह में जहाँ पे बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान करें, ये सामने निकल के आनी चाहिए, हम इसका नोटिस लें और इसके बारे में कुछ करें। और अल्लाह का शुक्र है अब लॉ है तो कुछ हो सकता है। आप अकेले नहीं, आप अपने खानदान वालों को बताएं, आप कंप्लेन करें। और आई थिंक फौजिया ने एक बहुत अच्छा काम किया ये किताब लिख के, और अब उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा तो और ज्यादा अच्छा है हमारी आवाम के लिए।